पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। श्री, नई रूमी मिली क्या? वैशाली, अभी अभी तो प्रीति गई है, थोड़ा टाइम दो श्रीमोहि को। राधिका, तू तो हॉल में सेट है ना, नई रूमी के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, टेंशन तो मुझे है ना, देखना तो पड़ेगा कौन है कैसी है, फिर लास्ट मोमेंट में किसी को भी रख लेगी, वाइफ मैच हो गई बोली, खेलना तो मुझे पड़ेगा। फ्री तो रहनी, पता नहीं नई रूमी कैसे रहेगी बी के साथ। चलो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है हमारे ऑफिस में, गुड लक टू मी। अरे पर... You know what? I love my job. I love being a judge. But these press cons, you know, I hate them. Especially these movie stars' press cons. मतलब वरुण धवन का प्रेस कॉन है तो प्लीज चला जा। What nonsense यार। ये सब करवाते तुमसे? शाह, so bad. Imagine what's... हेलो, तुम भी मजे ले लो मेरे। अरे नहीं सच में यार, अब फाइव स्टार होटल में बैठ के एसी में सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उससे अच्छा तो धूप में पत्थर तुड़वा लेते ना तुमसे। सेंस ऑफ ह्यूमर की ना दवा कराओ तुम, बहुत तबीयत खराब है इसकी। इसे दवा नहीं, दुआ की जरूरत है। अरे क्या हुआ, ऐसे मुंह सड़ा के क्यों खड़े हो तुम? कितनी कूल और हैपनिंग जॉब है तुम्हारी, खुश रहना चाहिए ना तुम्हें। 10 शिकायतें हमें भी हमारे ऑफिस से, पर हम अपने पसंद का काम कर रहे हैं अभिषेक। सबके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो कह पाए कि आई लव माय जॉब, यू नो। राधिका, राधिका, हेलो अभिषेक, राधिका कहाँ है यार? एक्सक्यूज मी, हेलो, गुड मॉर्निंग नांदे जी। गुड मॉर्निंग, आज इतनी जल्दी? हाँ सोचा टाइम से आएंगे तो टाइम से काम भी खत्म हो जाएगा जी। गुड मॉर्निंग इमली मैडम। गुड मॉर्निंग नामदेव, वो राज आते ही होंगे, उनकी कॉफी रेडी रखना। यस मैम। हेलो गुड्डी, आज शाम 5 बजे ऑफिस से निकल जाना, तुम्हें एक लड़के से मिलने जाना है। क्या आज? सिस्टर सब ठीक ना? पापा आज हमने, हाँ आज शाम 6 बजे उस जगह का नाम लबी, लबी को पता, लबी का नाम क्या है जगह का? हाँ बीकेसी, पता होगा गुड्डी को। पापा बीकेसी हमारे ऑफिस से 1 घंटा दूर है, यहाँ से 5 बजे तो किसी भी हालत में नहीं निकल सकते हम, बहुत इम्पोर्टेंट मीट। किसी भी हाल में नहीं, हर हाल में जानो है गुड्डी, आजकल बात बात पे जवान लड़ाने लगी हो, बस एक बात समझ लो गुड्डी, शाम 6 बजे तुम्हें उस लड़के से मिलनो है, मतलब मिलना है, हमें बहस नहीं चाहिए। पापा हम बिल्कुल भी बहस नहीं कर रहे, सच में हमारे ऊपर बहुत वर्क प्रेशर है अभी, हमारे ऑफिस के जो सीईओ है ना, उन्होंने एक नए प्रोजेक्ट पे हमें अपने साथ लिया है काम करने के लिए, तो वो मीटिंग मीटिंग सब है, बीच में ऑफिस का काम छोड़ के नहीं निकल सकते ना हम। पापा आप एक काम कीजिए, उसे कह दीजिए कि ऑफिस के बाद लगभग 7:30 बजे हम मिल सकते हैं उसे। अब बात तो तभी आगे बढ़ेगी ना जब वो इस बात की रिस्पेक्ट करे कि हम काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, टाइमिंग्स भी होती है हमारी। लास्ट वीक वाज सो मच फन ब्रो। सच में? पापा वो मीटिंग शुरू होने वाली है, सीईओ आ गए, आप 7:30 ओके नहीं ओके मैसेज करके बता दीजिएगा। ओके एक बात सुनो, फोन मत रखो तुम गुड्डी। यही बात का डर था हमें चाचू, ये गुड्डी के तेवर ना गिरगिट के रंग जैसे तेज बदल रहे हैं। क्या करें इसका? तो चलो सीएसआर आइडियाज पे आते हैं। गाइस आजकल मैं देख रहा हूं ये विमेन एम्पावरमेंट, फीमेल्स राइट्स, ये सब बहुत ट्रेंडिंग है, तो इसके अराउंड अगर कुछ करते हैं तो कंपनी को अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी। सच कहूं तो मेरे हिसाब से दुनिया में और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिन पे हमें पहले ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आज भी दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना खाए रात को सो जाते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है,
बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं है। रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम तो अभी भी है ना, पर इनसे सब बोर हो गए हैं शायद। आजकल तो बस औरतों का रोना गाना ही सुनाई देता है, हमारा हक, हमारा अधिकार, बराबरी का दर्जा। Yeah, sir, so true. All this equality and feminism is so overrated, right? Now for the record, I am not against women's rights. मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये विक्टिम कार्ड बार बार दिखा के आप लोग क्या प्रूव करना चाहते हो कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है? राधिका, डोंट गेट मी रॉन्ग, हाँ, मैं ACS की फीमेल एम्प्लॉयज के बारे में बात नहीं कर रहा। इनफैक्ट हमारे फीमेल एम्प्लॉयज को विक्टिम कार्ड यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रियल को देख लो, जिसे चाहे ऑफिस में विक्टिमाइज कर सकती है वो। चलो, तो कमिंग बैक टू फीमेल एम्पावरमेंट, इस टॉपिक को ना थोड़े सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग कौन नोट कर रहा है? राधिका कैन डू इट सर। ग्रेट, राधिका मैडम, प्लीज कैन यू डू दी ऑनर्स, और घबराना मत, अगर कुछ समझ में नहीं आता या अगर कोई पॉइंट मिस हो जाती है तो पूछ लेना, हम दोबारा आपको बता देंगे। राधिका, मीटिंग में फोन। नोट करने से अच्छा है कि हम रिकॉर्ड ही कर देते ना मीटिंग, तो एक ग्रुप बना लेंगे सबका और शेयर कर लेंगे, रिकॉर्ड कर देते हैं। ग्रेट। राधिका मैडम, बिफोर वी गेट ऑन विद दिस, एक काम कर लोगी क्या, तुम नामदेव को बोल के हमारे लिए कुछ कॉफी मंगवा सकती हो? पता नहीं वो एमिली आज कहां रह गई है, शायद वॉशरूम में होगी, आजकल जब देखो वॉशरूम में ही रहती है। प्रेगनेंसी के अपने ही फायदे हैं भाई, जब चाहे लू ब्रेक ले लो, चाहे दिन भर लू ब्रेक ले लो, कोई पूछने वाला नहीं है। Perks of being a woman. Muffins? Why not? कहाँ से आई हूँ? मालाड। मुंबई से हो? नहीं, अभी मालाड में थी तो वहां से आई हूँ। वैसे तो मैं जबलपुर से हूँ। मुझे ना हमेशा से ना मुंबई में काम करना था, तो जैसे ही मुझे इंटर्नशिप मिली मैं तुरंत ही आ गई। मैंने एक बात सुनी है, मुंबई आओ ना तो एक ना एक रास्ता बनता ही जाता है। ऑलराइट पायल, थैंक यू, वी लेट यू नो। बस, और आपको कुछ नहीं पूछना। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग पायल। थैंक यू फॉर दिस। पांचवी रिजेक्शन है ये तेरी। हाँ, क्योंकि रूमी के साथ मुझे रहना है, मुझे झेलना है। तू ना ये छोटे शहर प्री, यार पका रही है यार ये मुझे, प्लीज वापस आ जा। श्री, टोटल 10 घंटे भी नहीं हुए मुझे गए हुए। ऑलरेडी मिसिंग यू माई लव। आई नो, आई मिस यू गाइस टू, बट चल कोई ना, ऐसे ही फोन पे बात कर लिया करेंगे हम लोग। अच्छा सुन, अब मुझे वापस हॉस्टल जाना है, 6 बजने वाले, वो लोग के स्नैक्स सर्व शुरू होने से पहले जाना पड़ेगा। प्री, नेवर ट्रस्ट अ प्लेस जिधर टाइम टेबल के हिसाब से स्नैक्स सर्व करते हैं। फूड शुड बी 24/7। गाइस, दिन भर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर बोर नहीं हो जाते हो क्या? Come on guys, 6:30 बज गए हैं। Let's wrap it up, get a life, बाकी काम कल कर लेंगे। Come on. So, सबके क्या प्लान्स हैं? I'm going for dinner to a nearby place. नई जगह खुली है।
I've heard the cocktails are to die for. Anyone wants to join me? Sure, sir. Madam, जानते हैं कि आप पीती नहीं हैं, पर वहाँ आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, और वहाँ मॉकटेल्स भी मिलते हैं और वेज खाना भी मिलता है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।